కొనే 400 వేసిదాడు అరుణ్ 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 నాయ అరుణ్ నడుచుకుంటా నడుకుంటా ये राकेश सावंत का पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं, समझे? जब तक बैठने को बोला ना जाए तब तक खड़ा रखो अपना अपना खड़ा रखो। क्या काला धन है ना तुम्हारे पास? काला धन नहीं है क्या? कौन सा तुम्हारे पास क्या है? सफेद है, कोड़ी है क्या? तुम्हारे पास क्या? ताला है। बोलू क्या? ताला वो पैदा भी नहीं हुई कभी। ओके गाइस, आई एम राखी सावंत, थैंक यू। माइक है या मेरे गले में लटका हुआ माइक है या नहीं है? गुड इवनिंग एवरीवन, और थैंक यू सो मच आप सब यहाँ पे आए। अभी मेरा एक नया शो आने वाला है, शॉर्ट फॉर्मेट डिजिटल के द्वारा राखी एंड खाकी, मेरा नया शो आने वाला है यूट्यूब पर। और ये शो बिल्कुल भी बंद होने वाला नहीं है, सालों साल चलता रहेगा। ये एक ऐसा शो है जो हमारी शॉर्ट फॉर्मेट मैडम है, उन्होंने मुझे चुना है। उन्होंने कहा राखी हम आपके साथ एक शो बनाना चाहते हैं जो डिजिटल सीरीज पे आएगा। एंड मैंने कहा क्या कॉन्सेप्ट होगा, बहुत ही फनी वे में जैसे तुम हो वैसे ही हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे और आप बनाना है। मैंने कहा ओके आई एम रेडी। मैंने कहा चलो अच्छा, इतनी सेंसर बोर्ड ने दिमाग का दही कर दिया है, ये शो टीवी पे नहीं आएगा क्योंकि हर चीज टीवी पे सेंसर हो जाती है। तो मतलब मुझे पूरी छूट दी गई है, जिस तरह से आपने देखा ये मेरा छोटा सा ड्रामा, तो इससे भी 100 गुना ज्यादा अगर आप एपिसोड देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मैं डेफिनेटली बहुत सारी बातें बताना चाहूंगी आपको शो के बारे में, लेकिन इससे पहले हम वो दिखाएंगे एपिसोड सबको, प्लीज। ये तो फिर भी सेंसर है एपिसोड, आगे के और एपिसोड देखेंगे तो गिर जाएंगे आप हंस के। एंड बहुत खुश हूं मैं कि ऐसा कुछ मुझे कुछ नया करने के लिए मिला, थैंक्स टू मैम के उन्होंने मुझे चुना और ऐसा अवतार, पुलिस का अवतार मुझे दिया। एंड राखी इन खाकी शो रखा और विदाउट सेंसर है तो बहुत मजा आने वाला है। लोग जनता है, जनता जो है ये ऐसे एपिसोड्स को देख देख कर यूट्यूब पे बहुत ही मजे लेने वाली है, बिल्कुल सेंसर होने वाला नहीं है। मेरी पूरी मनमानी चलने वाली है, जो मेरे अंदर जितना एक्ट छुपा है बाहर निकलेगा। नहीं, किसी को कॉपी नहीं करने की कोशिश की है, मैं तो पुलिस के खानदान से ही हूँ। सो मेरे डैड कॉप थे तो बचपन से इनका ऐसे एटीट्यूड रहा है। और हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने गंगा जल किया था ना, गंगा जल टू, तो उनका वो जो पुलिस का अवतार था मुझे बहुत पसंद आया। और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं खाकी पहनूं ताकि मेरे डैड भी देखे, भले रियल में नहीं, फिल्मों में ही सही, शो पे ही सही। तो ये खाकी पहन के एक पता नहीं अजीब से अंदर से कुछ हो जाता है खाकी पहन कर। मैडम आपने काफी रियलिटी शोज किए हैं, तो ये शो करने का अनुभव अलग लगा? मैंने इतने रियलिटी शो को पैदा किया है, चाहे बिग बॉस हो, चाहे नच बलिए हो, चाहे स्वयंवर हो, टीवी पे मैंने अपने बहुत झंडे गाड़े हैं, बहुत ही सारे शो जनता की दया से, मीडिया की दया से हमेशा हमेशा सारे शो एकदम हिट गए हैं। एंड आई एम श्योर कि इसमें तो ये जो राखी इन खाकी तो बिल्कुल सेंसर भी नहीं है इसमें, तो लोग बहुत एंजॉय करेंगे। और अभी उन्हें बहुत सही टाइम पे मेरा शो आ गया है, क्योंकि सभी लोग टेंशन में बैठे हैं, सभी लोग प्रॉब्लम्स में बैठे हैं, उनकी उनकी रात की नींद चैन और बिल्कुल मतलब फेस की हंसी खो गई है। तो अगर ये मेरा यूट्यूब पे अगर ये मेरा शो देखेंगे राखी इन खाकी तो वो हंस पड़ेंगे।
तो मैं सिर्फ हंसाने का काम कर रही हूँ। इसमें करंट टॉपिक भी लिखिए आप, जैसे अभी पैसे का चल रहा है। हाँ, वो भी हम लोग ने एपिसोड शूट कर लिया है, तो वो दिखाया जाएगा। कब आएगा मुझे पता नहीं, कब नेक्स्ट वीक से वो 500 और 1000 के नोट वाला आएगा एपिसोड। राखी कंट्रोवर्सी एक्सपेक्ट कर रही है फिल्म से आप, इससे इस सीरीज से? सॉरी, कौन सा सीरीज से कुछ कंट्रोवर्सी एक्सपेक्ट कर रही हैं आप एज एन एक्टर? सॉरी, आप क्या बोले, कॉन्ट्रोवर्सी? देखिए, यूट्यूब में तो आई डोंट थिंक सो कहीं कोई कॉन्ट्रोवर्सी होगी। इसमें तो मैंने और गालियां दी थी, मैडम ने काट दी है। लेकिन राखी इन खाकी को देख के खाकी वाले नाराज नहीं हो जाएंगे आप? क्यों होंगे, क्यों होंगे खाकी वाले नाराज? वो तो जैसे मैं गालियां दे रही हूँ, वो तो देते ही है ना। जो भी चोर या गुनहगार है उनकी बैंड बजाने के लिए तो उनके रियली तो निकलते, तुझे आईला ये वो तो निकलते है। कह रहे बंद कमरे देता तो खुले हम देता है। हाँ, मैं तो खुले हम ही दूंगी ना, मैं तो शो पे हूँ। अच्छा, मोदी ने जो अभी ये डिमोनेटाइजेशन किया है, उसके बारे में आपको क्या बोलना है? 500 और 1000, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ दिल से, कि हमेशा हर कोई कहता था, देश का बच्चा बच्चा कहता था कि काला धन कब आएगा, काला धन कब आएगा, करप्शन कब खत्म होगा। तो अच्छी बात है मोदी जी ने जो एक कदम उठाया है। हाँ, डेफिनेटली सबको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, तो हर चीज के लिए जिंदगी में सरवाइव करने के लिए तकलीफ होती है। 50 दिन दिए हैं और 50 दिन में पूरा काला धन गायब हो जाएगा और करप्शन भी खत्म हो जाएगा, आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा, और 50 दिन में हिंदुस्तान की जनता बहुत ही उनके अच्छे दिन आने वाला है। और जब जैसे उन्होंने कहा था, कोई चमचागिरी, मैं कभी जिंदगी में किसी की चमचागिरी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं सच कहती हूँ थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है। बहुत दुख है कि कुछ लोग जो है एक्सपायर हो गए लाइन में खड़े हो के, बहुत दुख है इस बात का। लेकिन मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। राखी, आप सनी लियोनी को रियल लाइफ में भी, रियल लाइफ में बहुत याद करती हैं क्या? मोहब्बत है, नफरत है, क्या है? क्या देखिए, सनी और लियोनी मेरी दो असिस्टेंट हैं, तो आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि हिंदुस्तान की लैंग्वेज देखिए कितनी अच्छी रखती है वो। कितनी भी बड़ी पॉर्न स्टार हो, कितनी भी बड़े एक्टर हो, यहाँ पे आके उन्हें आकर हिंदी ही सीखना पड़ता है ना। मैं तो ओरिजिनल हूँ, यहाँ पे आके हिंदी सीखना पड़ता है। हमारे लोग कितने अच्छे हैं, वहाँ पे तो न्यूड घूमती थी, यहाँ पे लोग आके साड़ी पहनाते, कपड़े पहना के पैसे देते हैं। अच्छी बात है, तो इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट का सनी लियोन नाम रखा हुआ है। उनको शो में बुलाएगा आप? जी नहीं, उनके शो में तो नहीं बुलाएंगे, बड़ा उनके ऊपर काफी शो करूंगी। अच्छा, काफी एपिसोड बनाऊंगी। ये कहाँ रहेगा पुलिस स्टेशन, मुंबई या ये पुलिस स्टेशन कहाँ का रहेगा? ये पुलिस स्टेशन मुंबई का ही रहेगा। नहीं, बट पुलिस स्टेशन में तो अलग अलग केस आ सकते हैं ना, क्योंकि ये तो शो है। शो है ना। ये पिक्चर के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं लोगों को? भैया, मैं तो बहुत मैसेज दे चुकी हूँ सबको, बहुत मैसेज दे चुकी हूँ। मेरा कोई मैसेज नहीं है, मेरा ये है कि बस इस एपिसोड को देखो और खूब पेट पकड़ के हंसो। यही तो एक मैसेज है कि इतने टेंशन में लोगों को हंसाना, इट्स नॉट अ जोक। राखी, अगर मौका मिले तो किसका पर्दाफाश करोगी या बॉलीवुड में से? अरे मैं तो सबका पर्दाफाश करूंगी, मेरा तो काम ही है ये। और पूरा बॉलीवुड हो, नेता हो, कोई भी हो, सबको, सबका सबका नाम नहीं लूंगी, ये तो एपिसोड के बाद ही आपको पता चलेगा। अभी देखो शरीफ जी को कैसे, नवाज शरीफ जी को पकड़ के लाए, वो तो अलग बात है कि नंदू निकला, वो तो अलग बात है, बट ये तो नवाज शरीफ ही ना। बट ये बस पाकिस्तान में ये मतलब एपिसोड चला जाए, लोग देख ले, तो फिर बॉर्डर पे फायरिंग नहीं होगी। अरे उनके लिए, पाकिस्तान वालों के लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। जय हो अशोक जी, मैं आपका शो जरूर देखूंगी। और जितने भी हिंदुस्तान में पॉलिटिशियन है ना, इनको बेनकाब करना, करप्टर लोगों को, मैं जरूर देखूंगी आपका। मेरा शो देखना, सब कुछ करना, लेकिन कहीं गुस्सा आया तो मेरा नवाज शरीफ मत बनाना। नहीं नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग इंतजार करेंगे आपका शो का, आपके शो को देखकर टेंशन आ जाए, फिर वो मेरा शो देखेंगे रात को। जी 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 मैम, राखी मुझे पता है कि आप सच बोलती हैं जी, एंड डोंट फील ऑफेंडेड। सच सच बताना, कितने 500 और 1000 के नोट जमा किए बैंक में? हाय हाय। नहीं, ज्यादा नहीं, 10-20 हजार थे, वो कर दिए। हमारे हम आर्टिस्ट है, अगर हम काम करते हैं, हम डांस करें, एक्टिंग करें, तो हम लोग तो व्हाइट वाले, व्हाइट कॉलर वाले, हमको हर जगह से TDS काट के पूरे चेक मिलते हैं, तो पूरे हम तो टैक्स भर भर के थक गए। और मैं कोई मंत्री शंत्री तो हूं नहीं, ये तो कपड़े इन्होंने मंत्री वाले पहने, वदर ये भी नहीं है, हम सब व्हाइट वाले हैं और हमारे पास कोई काला धन नहीं है।
ये मैं मानता नहीं, इन कपड़ों को बदनाम मत करो। आजकल मंत्री भी जींस में आने लगे हैं, तो मैंने बोला चलो मंत्रियों ने जो कपड़े छोड़े कम से कम वो पहन ले यार, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, कोई काला धन नहीं हमारे पास, उल्टा कोई हमें कैश देता है तो हमें डर लगता है कि ये कैश तो हम पहली बात हमें मिलता ही नहीं, हम लोग टोटली चेक वाले लोग हैं। राखी, कपड़ों का जिक्र किया आपने, तो हाल ही में आपको भी कुछ परेशानी आई थी, केस वगैरह लॉन्च हुआ था अगेंस्ट यू, मोदी जी का भी आपने जिक्र किया था, तो वो किस तरह से कहा था वो पूरा? कौन सा केस? कुछ कपड़े के रिलेटेड, कुछ कपड़े मतलब पहने थे या नहीं पहने थे? बिल्कुल पहने थे आपने, तो मोदी जी के फोटोज वगैरह हाँ, उसपे वो तो मुझे गर्व है। मैं अमेरिका में थी इंडिपेंडेंस डे पर, और मैं वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रही थी वहां पे, बिकॉज इंडिपेंडेंस डे था, तो मेरे ड्रेस पे यस मोदी जी की फोटो लगी थी। आप मुझे बताएं, मैं आई प्राउड ऑफ मोदी जी, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, कि इन्होंने अच्छे अच्छे कदम उठाया, अरे वहां के प्राइम मिनिस्टर लोग उनको सैल्यूट करते हैं, तो मैं क्यों ना करूं, मैं क्यों ना प्राउड करूं हमारे प्राइम मिनिस्टर पर। और बस सिर्फ ड्रेस पे उनकी फोटो ही तो चिपकाई, कोई मर्डर, कोई रेप, कोई आतंकवाद तो नहीं हूं ना मैं, तो इसमें इसका कोई क्राइम ही नहीं है। लोग सलमान, शाहरुख, आमिर की सबकी फोटो लगाते हैं, मैंने मोदी जी की लगाई, तो आप क्या चाहते हैं मैं ओबामा जी की, ट्रंप की, उनकी फोटो ही लगाऊं? क्यों लगाऊं? मैं तो मोदी जी की लगाऊंगी फोटो, आगे भी पहनूंगी, साड़ी पहनूंगी, सलवार कमीज पहनूंगी, जो भी पहनूंगी, मैं तो मोदी जी की फोटो लगाऊंगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उनकी लगाऊंगी, अगर राहुल जी बन गए तो राहुल जी की भी लगाऊंगी। वो तो मेरे पर है ना, कहाँ फोटो लगाऊंगा। और मेरे यहाँ से मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने कुछ कहा कि ये वल्गर विल्गैरिटी शो है, या इसमें कुछ डायलॉग्स ऐसे है, तो मेरे दोस्तों यूट्यूब पे तो लोग पॉर्न फिल्म भी देखते हैं, आप उनको जाके रोकते क्यों नहीं? क्या 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 नहीं देखते यूट्यूब पे? तो मेरा शो तो बहुत अच्छा है, आई फील प्राउड, और मैंने बहुत, हम लोग का जो शो आ रहा है बहुत ही इंटरटेनिंग है, पूरा मसाला है, लोगों को बहुत पसंद है। राखी, आप यूपी इलेक्शंस में खड़ी हो रही है, यहाँ पे इस साइड, इस साइड टू योर राइट, टू योर राइट, हाँ सॉरी, आप यूपी इलेक्शंस में खड़ी हो रही है और इस तरह की वेब सीरीज के साथ में आ रही है, तो समझ में नहीं आया क्यों? भाई ये तो मेरा काम है, ये तो मेरा कर्म है, मेरा काम है, मेरा चेक कहाँ से आएगा? मैं दिल से ये काम करती हूँ। इलेक्शंस के लिए क्या कहते हैं? किसी को लूटा तो नहीं ना, गरीब को, किसान को, उनके पैसे तो नहीं खाए ना, कम से कम ईमानदारी से मैं काम कर रही हूँ। और इलेक्शन की बात है वो अलग है, हिम्मत चाहिए किसी हिंदुस्तान की लड़की में, और ये कोई फिरंगा के करेगी तो आप लोग तालियां बजाओगे। मैं हिंदुस्तान की लड़की हूँ और मैंने किया काम, हाँ मैं बहुत ही गर्व से किया, उसमें क्या है। हर शो में जैसे स्वयंवर किया था, किसी को डाइजेस्ट नहीं हुआ था लेकिन फिर सबको पसंद आया, बिग बॉस किया, ऐसा होता है। अभी मैंने ये सीरीज निकाली है, इसके बाद देखो इसके इससे ज्यादा क्या क्या लोग निकालते हैं। यूपी इलेक्शंस के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? ये बोलना है मुझे? हाँ जी बिल्कुल, ठावले जी ने अनाउंस किया है कि मैं यूपी इलेक्शन में मायावती जी के ऑपोजिट चुनाव लड़ूंगी, ये बात सच है, और तैयारी चल रही है, अभी तो नोट है नहीं किसी को देने के लिए। हाँ लेकिन एक बात है, मेरे पास नोट नहीं है वोट पाने के लिए, शायद मैं यूपी बिहार का इनका जो दिल है अपना डांस करके इनका दिल जीतूं, मेरे पास तो यही टैलेंट है, मेरे पास नोट नहीं है गोनी भर भर के, तो डेफिनेटली इस बार मैं अलग कोशिश करूंगी। यहाँ पे हाथ जोड़ जोड़ के लास्ट टाइम थक गई थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं अपना टैलेंट दिखा के उनको बताऊंगी कि मुझ में ये टैलेंट है, मैं बॉलीवुड से हूं। अगर आप यूपी में विकास चाहते हो, छोटे छोटे विकास घर वाले नहीं है, सचमुच का विकास, यूपी में विकास चाहते हो, अच्छी सड़कें से लेके किसानों का यू नो किसानों के लिए काम, मतलब अच्छा काम करूंगी डेफिनेटली अगर मुझे चुन के लाते हैं तो। अभी मैंने स्पीच मेरी रेडी नहीं की है, बट ये तो सिर्फ मैं अपनी ये शो जो है यूट्यूब का राखी एंड खाकी, इसी के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, और आगे जाके देखते हैं क्या होता है, आई डोंट नो, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। तो अभी वहाँ पे अब मुझे पुलिस का मेरा रोल है, ये जो वर्दी वो हमने रेंट पे ली है और मैंने पहनी है, तो भारत का शेर नहीं लगेगा तो कौन सा शेर लगेगा जी। और मेरे ख्याल से मेरा शो कोई वल्गर नहीं है, इसमें ऐसी कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं की गई है, बहुत ही इंटरटेनिंग है, और शरीफ जो नवाज शरीफ की मैं इस शो में ले रही हूँ, तो अभी उस इतना प्यार से बात तो हम करेंगे नहीं। अगर पुलिस वालों को देखें
अगर बंद कमरे में अगर किसी को रिमांड में लेते हैं, मैं एक पुलिस की बेटी हूँ, मुझे पता है, वो खुद इस एपिसोड को देखकर बिल्कुल पुलिस वाले जो रियल होंगे वो भी खुश होंगे, क्योंकि पुलिस वाले डेफिनेटली ऐसे ही बात करते हैं, इतनी कड़क बात करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ शेर का या ऐसा कुछ अपमान किया है, डेफिनेटली नॉट। राखी जी, इसके अलावा बॉलीवुड में कई सारे लोगों ने पुलिस का किरदार निभाया है, शाहरुख, सलमान, अक्षय कुमार, अजय देवगन। यस, कितने बॉलीवुड कलाकारों ने ऐसे शेर में, मतलब ऐसा खाकी वर्दी पहनकर ऐसे ऐसे डायलॉग्स बोले हैं, तो तभी आप लोग की नींद क्यों नहीं जागी? जब मैंने खाकी पहन ली तो आप लोग की नींद जाग गई और मेरे पीछे पड़ गए आप लोग हाथ धोकर। दिस इज वेरी बैड। क्या लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज, आप बताओ क्या बोला मैंने? कुछ नहीं बोला है। लेकिन राखी, रजनीकांत जैसे बड़े सुपरस्टार, इतनी प्रतिष्ठित पर्सनालिटी है वर्ल्ड वाइड, उनके खिलाफ आप मतलब आपने ऐसा बोला है तो कुछ क्या हुआ रजनीकांत जी का? क्या हुआ? आपने जो वर्बल यूज किया है रजनीकांत के लिए, वो क्या कुछ सटीक लग रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मैंने रजनीकांत जी की, तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरे फेवरेट हीरो रजनीकांत जी हैं। और देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो राइटिंग आती है स्क्रिप्ट हमारे पास, तो वो ऐसे ही हमें करना पड़ता है। वो तो उनकी स्टाइल जो है, उनकी स्टाइल थोड़ा पकड़ने की कोशिश करिए, और उनके खिलाफ तो मैं कभी नहीं जा सकती, बिकॉज ही इज़ द गॉड ऑफ सिनेमा। आपकी तारीफ की, रजनीकांत भी नहीं तारीफ की, कहाँ रॉबर्ट के नाम पे आपका भी नाम लिया था उन्होंने, आपका कंपेयर माधुरी श्रीदेवी से किया गया है, माधुरी श्रीदेवी, जूही चावला, रजनीकांत जी ने किया, और उसके बाद राखी सावंत का नाम लिया गया। थैंक यू सो मच। मैं रजनीकांत जी को कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी तारीफ करी, उन्होंने मेरा नाम लिया। बहुत जल्द मैं उनके साथ एक आइटम सॉन्ग करने वाली हूँ। ऐसी खबरें राखी, क्या पॉर्न स्टार बनना चाहती ऐसी खबरें आई है? नहीं, मुझे कोई पॉर्न स्टार बनने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, और हिंदुस्तान में ये सब चलेगा भी नहीं। मेरे ख्याल से जो राखी इन खाकी मेरा नया शो आ रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है। इसमें सब बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर उन सबके बैंड बजाने वाली हूँ मैं अपने शो में।